नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया रद्द की गई परीक्षाओं का शेड्यूल। 4 व 5 अप्रैल को प्रदेश के 108 केंद्रों की रद्द, 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं का होगा 90 केंद्रों पर दोबारा आयोजन। 68 केंद्रों पर 4 अप्रैल को व 22 केंद्रों पर 5 अप्रैल को होगी परीक्षाएं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जसबीर ने दी है पूरे मामले की जानकारी। डॉक्टर जगबीर ने बताया कि परीक्षाएं सोनीपत जिले के केंद्रों की हुई रद्द, जो कि सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर पर रोहतक व तीसरे नंबर पर भिवानी जिले के परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं रद्द हुई थी। अब हर परीक्षा केंद्र पर होगा कड़ा पहरा। आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रदेश में 108 परीक्षा केंद्रों पर रद्द की गई परीक्षाओं का पुनः संचालन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 4 व 5 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। 4 अप्रैल को बोर्ड की 10वीं क्लास के सांस्कृतिक व सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षाओं को छोड़कर के अन्य विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो इसी दिन 12वीं की केमिस्ट्री विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 5 अप्रैल को 10वीं के संस्कृत व सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा के साथ साथ 12वीं की रसायन विज्ञान की परीक्षा को छोड़ करके अन्य सभी विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरे प्रदेश में 90 परीक्षा केंद्रों पर इन परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश भर में 6 मार्च से 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का बोर्ड परीक्षाएं होनी शुरू हो गई थी। प्रदेश भर में 108 परीक्षा केंद्रों पर संचालित परीक्षाओं में भारी नकल हुई थी, जिसमें बाहर के लोगों का हस्तक्षेप देखा गया, तो इन केंद्रों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। रद्द की गई परीक्षाएं अब पुनः संचालित करने का शेड्यूल हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बहरहाल रद्द कर दी गई परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने पूरी तैयारियों के साथ अमली जाना पहना दिया है। नकल के साथ साथ अकल सहित इन परीक्षाओं के लिए शुरू की गई मुहिम का ही यह असर है कि नकल करने वाले या नकल करवाने वाले केंद्रों की इतनी ज़्यादा तादाद रद्द की गई। ऐसे में 4 या 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं में अगर नकल के भरोसे कोई रहेगा तो शायद गलत ही होगा, क्योंकि इन केंद्रों की परीक्षा नकल के चलते रद्द कर दी गई थी और अब दोबारा विभाग ऐसी गलती नहीं करेगा, तो संभावनाएं परीक्षा में नकल की ना के बराबर है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।